सोनीपत की पायल ब्यूटी एकेडमी द्वारा महिलाओं के लिए क्वीन है हम के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेविका चांदनी किंडर ने शिरकत की और कहा कि महिलाएं आज संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हैं। महिलाओं ने देश और समाज के लिए एक जीता जागता उदाहरण पेश किया है। वो दफ्तर के साथ परिवार की हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखती हैं, शायद अपना ध्यान नहीं रख पाती। महिलाओं ने अपने जीवन के हर करदार जैसे माँ, बेटी, बहू, भाभी, बीवी निभाए हैं और सारे कर्तव्यों का पालन भी किया है। महिलाओं ने समाज की सोच की फिक्र ना करते हुए खुद अपने पांव पर खड़ा होकर समाज और परिवार के लिए एक मिसाल कायम की है। महिलाओं की सोच आज हर दिशा, समाज और देश में फैली हुई है। चाहे वो व्यापार हो या राजनीतिक पद संभालना, वो हर काम निपुण रूप से करती है। महिलाओं के बगैर समाज की कल्पना करना बेकार है। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। अगर महिलाएं शिक्षित ना हुई और आत्मनिर्भर ना हुई तो आधा देश अशिक्षित रह जाएगा। अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो परिवार भी उसके साथ साथ शिक्षित होता है। उन्होंने कहा कि मैं कार्यक्रम के आयोजकों को ऐसे कार्यक्रम करने पर बधाई देती हूं। महिलाएं हमेशा अपने घर गृहस्थी के कामों में भी लगी रहती हैं, उन्हें भी अपने और समाज के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालना चाहिए। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। फैमिली एक तरफ होती है, सबकी फैमिली होती है, हम फैमिली को भी पूरा टाइम देते हैं, लेकिन हम अपने आप को भी हमें समय देना चाहिए। और आप सभी किसी ना किसी संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी बात है। पायल जी भी बहुत संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं और पूरा अपना काम कर रही हैं, समाज सेवा का भी काम कर रही हैं, अपना बिजनेस भी चला रही हैं। तो एक लेडी जो है वो सारे काम, मेरे ख्याल से सारे काम वो अच्छे से कर सकती है। अपने लिए भी समय निकाल सकती है, बिजनेस के लिए भी समय निकाल सकती है, समाज सेवा के लिए भी समय निकाल सकती है। अगर दिल में तमन्ना हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लेडीज के लिए, लेडीज लेडीज के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। तो मेरा ये कहना है कि लेडीज को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। जो नहीं कर रही है उन्हें आज से शुरू कर देना चाहिए और जो कर रही है उनको मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ। थैंक यू। अब जरूरी नहीं है कि आप चैरिटी के लिए किसी संस्था से जुड़े, किसी भी उसमें आप घर में रहकर भी चैरिटी कर सकते हैं। कहते हैं ना, किसी की होटल में पुस्तक दे दो, दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी है। किसी भूखे को रोटी दे दो, वो भी बहुत बड़ी चैरिटी है। ये भी है कि आप पैसे से ही करें। आप अपने घर में 10 रोटी बनाते हैं, 2 फालतू बनाइए, किसी गरीब को दीजिए, वो आपको सारी जिंदगी दुआ देगा। ये सबसे बड़ी चैरिटी। किसी लौटे को ये पूछ लो कि तू क्यों रो रहा है, उसका दिल हल्का कर लो, तो वो भी चैरिटी है। तो इसलिए मैं सोचे कि सब कुछ पैसे से होता है, पैसे से होता सब कुछ है, पर सब कुछ नहीं होता। आप खुद हंसिए और दूसरे को हंसाइए। पायल जी, आज आपने प्रोग्राम किया है क्वीन है हम, क्या उद्देश्य है इसका? सर, मेरा यही उद्देश्य है कि जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उनको मैं एक स्टेज दे सकूं, एक दिन उनको खास बना सकूं, उनको ऐसी फीलिंग दे सकूं कि वो रानी महारानियों की तरह यहाँ जिंदगी जिए, और उनके एक मोटिवेशन पैदा कर सकूं जिनसे वो, और जितनी भी लेडीज हमारे साथ जुड़ी हुई है किसी एनजीओ के माध्यम से, अच्छी पोस्ट पे है, उनके जैसा बनने की कोशिश कर सकें।